और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी से मिल रही है, राजस्थान से मिल रही है। राजस्थान चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो चुकी है। दूसरी सूची में कांग्रेस ने 43 उम्मीदवारों को का ऐलान किया है, 43 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। दूसरी सूची में मौजूदा मंत्री विधायकों के नाम शामिल है। बता दें कि पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य को भी कांग्रेस ने इस बार मैदान में उतारा है, उनको उम्मीदवार बनाया है और कई नए चेहरों को भी कांग्रेस ने मौका दिया है। बता दें कि सिटिंग गेटिंग फार्मूले के तहत मौजूदा विधायकों को टिकट मिले हैं। कांग्रेस ने सिटिंग गेटिंग फार्मूला अपनाया है। और बता दें कि सादुल शहर से जगदीश चंद्र जांगिड़ को उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया है। करणपुर से गुरमीत सिंह कुन्नर को टिकट दिया गया है। और इसके अलावा सूरतगढ़ की बात की जाए तो सूरतगढ़ से डूंगर राम गेदर को टिकट मिला है, उनको उम्मीदवार बनाया है। हनुमानगढ़ से विनोद कुमार चौधरी को टिकट मिला है। वहीं खाजूवाला से गोविंद राम मेघवाल को टिकट मिला है, ये बड़ा नाम माना जाता है कांग्रेस पार्टी में, ये सीट भी महत्वपूर्ण है। और बीकानेर से पश्चिम से बी डी कल्ला को टिकट मिला है, बी डी कल्ला मौजूदा सरकार में मंत्री भी हैं। और नोखा से सुशीला जूटी को टिकट मिला है।